हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिपेयर करेंगे लोकल वाइन। सो हम बनाने वाले हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ बनाने के लिए सीखिए। तो बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। या सुबह मैंने सुबह को पानी भर लिया था यहाँ में, तो इसको हम आँख में देंगे। आप लोग के पास कुछ में भी आप लोग खाना बना सकते हैं, उसके बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम आँख में लगाएंगे इसको। सो हमने बिठा दी, अभी ये पानी गर्म होने तक हम रुकेंगे। उसके बाद चावल को निकालेंगे, चावल को हम यहाँ निकाल लेंगे ताकि जब डालेंगे तो ऊपर नीचे होके कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, तो उसमें नहीं पकेगा चावल। तो हम चावल पहले निकाल लेंगे, उसके बाद पानी गर्म होने का डालेंगे। तो हमारा पानी गर्म हो चुका है, तभी हम चावल डालेंगे। आज हम लोग बनाएंगे ब्लैक वाइन। सो पहले हम लोग को चावल को बना लेना पड़ता है, और जो एक होता है वो है वो धान का छिलका, जो इसको हम लोग जला लिया एडवांस में, तो उसको हम चलाने वाला नहीं दिख पाएगा। सॉरी, तो मेरा चावल सब ढाल के हो गया, तो इसे हम थोड़ी मिक्स कर देंगे, नहीं तो गोटा गोटा रह जाएगा इसलिए। तो हम इसे थोड़ा हिला लेंगे, उसके बाद ढक के रख देंगे। तो गाइस मेरा ये बन गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए चावल पूरा फूल के आ गया, पका कि नहीं लेट मी चेक। आया गिरने ही वाले थे, हो गया। तो अभी इसको हम ठंडा होने के लिए एक जगह में निकलाएगा। सो अभी हम इसको नमा लेगा। तो गाइस हमने इसको नमा लिया था, तो अभी इसको ठंडा होने के लिए हम यहाँ निकलाएंगे। ये हम आधा निकाल चुका है दोस्त को बात करते करते, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को भी तो दिखाना है। सो अभी हम ये आधे को निकलाएंगे। आप लोग ना जिस दिन ये बनाते हैं लोकल वाइन सब, आप लोग ऐसे खट्टा चीज ना खाइएगा। खट्टा चीज खाने से आपका वो जो वाइन है वो भी टेंगा हो जाएगा, और ऐसे माना जाता है। सो आप लोग भी मत खाइए और अपने दारू को स्वादिष्ट बनाइए। यहाँ में बहुत जोर से बारिश भी आने वाला है। कैमरामैन भी हायर करना पड़ रहा है, हमको बुलाना पड़ रहा है दूर दूर से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। खाना पक गया, सामने आओ कैमरामैन और यहाँ दिखाओ। देखिए अभी हमको ऐसे करके निकालना होगा। आज को तो हम लोग ब्लैक वाइन बनाने वाला है, तो जो व्हाइट वाइन होता है, व्हाइट बियर, राइस बियर, वो इसी तरह बनाते हैं। वो तो ये ठंडा होने के बाद दवाई डाल देना, तो उसका बता रेक हो जाता है। तो आप लोग बकेट में भी डाल सकते हैं, वहीं भी डाल सकते हैं। और जो ब्लैक वाइन है उसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है। अभी और एक चीज़ है मिलाते से, मतलब जान जाएगा वो थोड़ा तकलीफ है। ये देखिए मेरा खाना जल गया, लेकिन सुंदर से जलाना। देखिए तो मेरा निकालना कंप्लीट। अब इसको थोड़ा फैला देंगे ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। जहां वाला यहाँ डाल देगा, पानी डाल के रख देगा इसको। आया तो गाइस हम भूल गया था कि पहले हम सोचा था कि ये ठंडा होने का डालेगा, लेकिन मेरे माँ ने बोला है कि अभी डालना है, तो इसको हम डालेंगे। ये जो धान का जो छिलका नहीं होता, ये चावल का छिलका, उससे बनाता है इसको, जलाता है इसको। तो इसका प्रोसेस जो हम कभी भी ना दो को दिखाएगा, तो सिंपल सा है ये जो, इतने भी कोई तकलीफ तो नहीं है। तो थोड़ा इसको फैला देंगे चावल के साथ ताकि ये ठंड हो जाए जल्दी जल्दी, और मेरे काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं सुस्त पर्सन हूँ, तो मुझे जल्दी काम करना पसंद है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे रख देंगे। तो वीडियो स्किप ना कीजिए, आप लोगों को फुल देखना चाहिए। काट दिया तो गाइस अब ठंडा हो चुका है, इसको हम लोग को ऐसे मालना है। थोड़ा सामने से दिखाओ, यहाँ आओ, ये है ना, इसको ऐसे
ये काला इसका साथ में इसको पूरा मिक्स करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है मिक्स करना। ये देखिए ये मौसी भी पूरा मल रहा है, हमसे छोटा है लेकिन इसको हमको मौसी बोलना पड़ता है। ये देखिए तो गाइस वो हो गया, अभी हम करेंगे दवाई को छोटा छोटा। ये देखिए यहाँ है दवाई, ऐसे गोल करके हम लोग बाजार से खरीदते हैं। तो हम आधा जो ऐसे कर चुके, आधा मीन्स ये जो थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है खुद ब खुद नहीं हो रहा था, तो एक तो बचा इसको हम लोग ऐसे करके इसको पूरा अच्छा से छोटे छोटे स्मैश कर लेगा, उसके बाद वहां धारणा होगा हमें। तो इसको कर लेते हैं। आया ये देखिए ये जो बहुत टांस है, और मेरे हाथ अब देख सकते हैं करके कैसे हो गया, दिख रहा होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा है लेकिन पीने का मजा ही कुछ और है। सो आप लोग भी अपना घर में ट्राई कीजिए, ये बहुत आसान है। लेकिन जब आप लोग ये चावल का वो को उसका कवर को जला दे तो बाहर में जलाए, घर में जलाएगा तो थोड़ा जिंदगी मुश्किल में आ जाएगा ना। इसी तरह हम लोग लोकल वाइन बनाता है, ये तो बस काला वाला है, और जिस दिन हम राइस बियर बनाएगा उस दिन आप लोग को शेयर करेगा कि कैसे बनाता है। तो ये मेरा स्मैश हो गया है, अब हम वहां ढालेंगे। देख सकते हैं आप लोग, तो इसे हम ऐसे उठा के लेके जाएगा, ऐसे ढाल देगा। तो इसको पूरा अच्छा से ऐसे मिक्स करना है दवाई पूरा अंदर तक जाने के लिए। अगर दवाई अच्छे से अंदर तक नहीं जाएगा तो हम लोग का ये खराब हो जाएगा, उसके बाद पीने में कोई मजा नहीं आएगा। सभी हम इसको पूरी तरह मिक्स करेंगे। तो मिक्स कर, तो गाइस अब हम लोग प्लास्टिक में ढालेगा इसको। बर्तन में भी आप लोग ढाल के रख सकते हैं लेकिन प्लास्टिक में ढालना इसलिए अच्छा है क्योंकि आप लोग एक बार में सब नहीं पी सकता है ना, तो आधा आधा निकलेगा तो खराब हो जाएगा, तो प्लास्टिक में रखना चाहिए। उसके बाद ये एक प्लास्टिक का हम लोग सेल भी करते हैं 400 रुपया में, करीब 500 में। सो अब इसको बना के धनी भी हो सकता है, तो आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है 400 का मालूम है ना, ये 400 का तो पता नहीं कितना 400 बनेगा, हाँ मालूम वाला है। डबल प्लास्टिक करना पड़ता है क्योंकि इसको एक महीना रखना पड़ता है, उसके बाद निकलता है, इसको हम लोग डबल प्लास्टिक करेंगे, तो एक प्लास्टिक निकालेगा। ये भी 400 का, 2400 आ गया। साइड से हवा नहीं निकलने का भरना चाहिए, हवा निकलेगा तो 2400 रुपया इधर भी मिलेगा और 400 रुपया भी मिलेगा। तो गाइस हम लोगों का हो गया कंप्लीट बना बना के। सो आप लोगों को हम दिखाएगा पहले का, हम लोग का एक ठू भी बचा हुआ है वो ऊपर में, वो जो अभी 5 महीना हो गया शायद, तो अभी जो हम लोग बनाए उसको भी यही में सबको यहाँ में टांग के रख देगा। आराम के लिए बनाया था उसको पिलाए, फिर और फेस्टिवल आएगा तो उसके लिए हम लोग बना लिया एडवांस में पीने के लिए। तो अभी ये सबको हम ऊपर में रखेंगे। तो गाइस वीडियो को हम यही में ख़त्म करेगा, और आप लोगों को पसंद ना आए तो भी प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्या पता किसी को पसंद आ जाए मेरे वीडियो। सो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए वाइन बनाने के लिए। तो हम यही में रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके बाय।